ओ बाबर को भी आउट दे दिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। PSL का पहला मैच है, रावलपिंडी में पहला मैच है भाई। वैसे तो PSL 15 दिन से शुरू है, रावलपिंडी का पहला मैच है। देखने जा रहे हैं पेशावर ज़ल्मी और इसका कराची का मुकाबला है। एंट्री लेते हैं स्टेडियम में, 4:30 का टाइम है, 7 बजे मैच है। अभी तो टिकट नहीं लिया, मोबाइल में है, टिकट लेते हैं, आपको टिकट भी दिखाते हैं फिर। वो भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी 4:30 का टाइम है, इसलिए आपको आवाम नहीं नज़र आ रही, जंगला नज़र आ रहा है। ये देखो कितना जंगला बना हुआ है। मैं देखने के लिए रास्ते बने हुए हैं क्योंकि रश अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी 4:30 का टाइम है, 7 बजे मैच है, तो रश तो अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी स्टार्टिंग है बिल्कुल। पहली 2 जगह तो चेकिंग हो चुकी है, आगे जाते हैं। टिकट अभी नहीं मिला, टिकट मोबाइल में है, तो फिज़िकली टिकट आगे से मिलेगा, आगे जाते हैं। ठप्पा तो लग गया भाई, पता नहीं ये किस चीज़ का ठप्पा है, समझ भी नहीं आ रहा है वेरीफाइड लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है। ये उसी तरह नवाजशरीफ पार्क से एंट्री है जैसे पहले थी, अभी लेकिन इतना रश नहीं है। 4:45 का टाइम है, 7 बजे मैच है, मौसम भी ख़राब है, ऊपर से बारिश ही ना हो जाए, होप सो ना हो मैच हो पूरा, अल्लाह करे ना हो बारिश, मैच हो, मैच देखने के लिए आए हैं। ये दूसरा ठप्पा भी लग गया भाई, और स्टेडियम में एंट्री हो गई है। इस दफ़ा फिज़िकल टिकट कोई नहीं है, जो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें बड़ा टाइम लगता था, वो बड़ा रश होता था, लाइनें लग जाती थी। आओ जी देख लो स्टेडियम, पहला मैच है। अभी तो कुर्सियाँ बड़ी अच्छी तरतीब से लगी हुई है, कलरफुल नज़र आ रहा है, डिफरेंट कलर्स की, ब्लैक, वाइट, पता नहीं कौन सा, जामनी, ग्रीन, सफ़ेद, येलो, हर तरह की। वाह यार स्टेडियम देखो यार, कितना ग्रीन है इस दफ़ा, पहले नहीं था, जब उसके साथ हुआ था इंग्लैंड के साथ मैच था तब इतना ग्रीन नहीं था स्टेडियम। आप देखें घास बहुत अच्छी हो गई है स्टेडियम की, सामने PCB लिखा हुआ है और इधर PSL 8 लिखा हुआ है चेयर्स के साथ ही, और ये चेयर्स के कलर भी चेंज हो गए हैं। पेप्सी लोगो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान का लोगो आ गया। ये ड्रेसिंग रूम है इस तरफ, और अभी 5 बज रहे हैं, मैच शुरू होने में अभी टाइम है। ग्राउंड स्टाफ लगा हुआ है अंदर, काम कर रहा है, और अभी लोग भी कम आए हुए हैं। ये है जी पिंडी स्टेडियम, और ये सामने एक स्क्रीन इधर लगी हुई है, एक इधर सामने लगी हुई है, और स्पाइडर कैमरा ही लगा हुआ, क्योंकि इधर कह रहे थे पतंगे बहुत उड़ती हैं जिससे वो उसकी तारें कट सकती हैं। स्पाइडर कैम इधर नहीं लगा हुआ, लेकिन पतंग भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रही यहाँ पे चारों तरफ, पता नहीं क्यों नहीं लगाया इन्होंने। हाँ जी, तो क्या हाल है भाई, स्टेडियम में एंट्री तो मैं दिखा चुका हूँ आपको अभी, लेकिन अभी लाइट्स नहीं ऑन हुई, 5 बजे का टाइम है, स्टेडियम एकदम लेवल लग रहा है। जितनी दफ़ा मैं आया हूँ ना मैच देखने, इतना ग्रीन, इतना लश स्टेडियम मैंने नहीं देखा, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी नहीं देखा जितना आज लग रहा है। बहुत ही प्यारा किया स्टेडियम को, बस इसकी रूफ़ बना देना किसी तरह, लेवल हो जाएगा। ये देखें कैसा लगा। हाँ जी, ये टीम्स इंटर हो चुकी हैं। इस तरफ है ये कराची की टीम, और सामने बिल्कुल इस तरफ आएगी पेशावर की टीम। मौसम अच्छा है, अल्लाह करे बारिश ना हो, सूरज ग़ुरूब होने वाला है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, और आवाम भी अभी आ रही है, इतनी ज़्यादा नहीं है, नहीं सुनते भाई, जितनी मर्जी आवाज़ें दे दो। जी भाई 5:30 हो गए हैं, टीम्स ने एंट्री ले ली है अंदर, अभी अभी टीम्स पहुंच गई है। ऊपर से व्यू है, बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त व्यू, मैं आपको ना बैक कैमरा ऑन करके ना ये व्यू दिखाता हूँ ऊपर वाला पिंडी स्टेडियम का, ये वाला व्यू देखें। ये देखें जी,
जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। कितने स्पेक्टेटर्स आए हुए हैं सामने, ये देखें गेट के बाहर भी गेट के अंदर भी। ये है रावलपिंडी फोर्थ स्ट्रीट, यहीं स्टेडियम बना हुआ है और यहाँ से स्टेडियम देखें आप कितना ज़बरदस्त यहाँ से व्यू आएगा स्टेडियम का। टावर्स अभी तक ऑन नहीं किए गए लेकिन सारे जो पैसे हैं ना वो इस व्यू के हैं। ये चेक करें कैसा व्यू है बताएं, है ना ज़बरदस्त। ये सबसे ऊपर से व्यू है सब। और ये कौन है, जिमी निशा मैं और साथ कौन है जी, अब्बा लग रहा है मुझे, सफ़ेद बालों वाला पता नहीं कौन होगा मजाक कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको आज का पूरा मैच। बाबर भाई ग्राउंड में तशरीफ ला चुके हैं और ग्राउंड में शोर मचाया जा रहा है। ये रहे हैं सामने, भाई इतना फोकस तो नहीं कर सकता मेरा मोबाइल। मुझे याद है भाई ये सामने आमिर बैठा है, मेरा फेवरेट बॉलर जिसने पाकिस्तान को दो आईसीसी इवेंट जितवाए, एक 2009 में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल जीते और एक 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी जो इसने इंडिया के खिलाफ हमें जितवाया। भाई मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। आ गया जी शेख मलिक प्रैक्टिस के लिए आ गए हैं। सात नंबर से आगे है, छः नंबर उससे आगे है, उधर शमशाद ने केवल से आगे मरान बाग से। बैठा था मैं पहले सामने, इधर तो लोग बैठे हैं बहुत ज़्यादा भाई, मानने वाली बात है ठीक है। लेकिन इसके अलावा देखो स्टेडियम सारा खाली पड़ा हुआ है। मुझे तो मैच शुरू होने से पहले ही भूख लग गई थी, मैं डिनर उठा लाया हूँ भाई, सेवर खाते हैं और मैच देखते हैं साथ। आओ जी मैच शुरू हो गया जी, ओ सॉरी होने वाला है। बाबर आ रहा है हारिस के साथ, आमिर खेल रहा है भाई, आमिर खेल रहा है, तेरी बॉल आमिर ही करा रहा है। वाह इसी का तो मुझे इंतज़ार था, हारिस फेस करेगा आमिर को। देखते हैं जी आज आमिर और बाबर की जंग कौन जीतता है। इसी दफ़ा तो बाबर ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बैटिंग की थी आमिर के खिलाफ और आज देखते हैं। अपील की है पहली बॉल में, रिव्यू ले लिया जी, पहली बॉल पे एलबी आउट कर दिया जी हारिस को। आमिर ने पहली बॉल पे विकेट ले लिया है। बाबर आ गया, बाबर चाचा क्रिकेटर मेरे सामने। बाबर आज रिस्पेक्ट दे रहा थोड़ी आमिर को क्योंकि पहली बार पे विकेट गिर गई है। पिछली दफ़ा बाबर ने पहले ओवर में आमिर को एक छक्का मार दिया था। आउट अपील की है, ओ बाबर को भी आउट दे दिया पहले ओवर में, दो शिकार आमिर के। बाबर को भी आउट दे दिया एम्पायर ने, आउट है। बाबर भी गया, दोनों एलबी हो गए हैं। वाह आमिर वाह, क्या कमबैक किया यार आमिर ने, पहले ओवर में दो आउट कर दिया। ओ भाई तीन आउट हो गए हैं, आमिर ने तीसरा भी आउट कर दिया। सैम अयूब उसी तरह लेग पे खेल रहा था और कैच हो गया, तीन आउट। सारे पिछाव जर्मी के फैन बैठे हैं इधर,
शामी ने अच्छा कम बैक किया है। पावर प्ले हो गया भाई, 41-3 आउट है। ब्रेक हुआ भाई, 124 है, 4 आउट है। अच्छी रिकवरी की है शावर ने, और ग्राउंड भी भर गया पहले से, देखो ग्राउंड भी सही भर गया। तो 62-4 आउट, 18वां ओवर है। पूरे स्टेडियम में मोबाइल लाइट ऑन हो गया। वन नाइन्टी एट का विन दिया। आओ जी, दूसरी इनिंग शुरू होने वाली है, गर्मी आ गई है। सारे जलमी के फैन है जी, कराची में कराची के फैन, और पिंडी में जलमी और इस्लामाबाद के फैन। पहली बॉल वाइड बॉल, कराची भी अच्छा खेल रहा है, 70 में एक आउट है, 6 ओवर हो गया। देखते हैं कहाँ तक पहुँचा, 79 के 3 आउट हो गए, 10 ओवर से मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है कराची के लिए। मुश्किल हो गया कराची के लिए, आमिर ने जो अच्छी बॉलिंग की थी शुरू में, 3 आउट किए थे 3 पे, और टोटल 4 विकेट लिए। उसकी मेहनत मेरे ख्याल से रायगा जा रही है, क्योंकि पिशावर सलमी ने वक्ता डाल दिया है कराची किंग्स को, ये सारे पिशावर के फैन बैठे हैं। 112-6 आउट, 14 ओवर, कराची गया, पिशावर जीत रहा है, बाबर जीत रहा है, बाबर जीत रहा है। आखिरी बार है भाई, एक बार तो सरप्राइज नहीं है। सिंगल बना है, पिशावर जल्दी जीत गया, अब मुकाबला भी नहीं है, आराम से जीत गया पिशावर जल्दी, सारे पिशावर के फैन पिशावर जीत गया, इसमें पिशावर जीत गया। सुनते चाहिए आप तमाम लोगों के लिए, मेट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है, वो तमाम जो लोग जिन्हें इस्लामाबाद और रावलपिंडी वापस जाना है, 6th स्टेशन और 7th स्टेशन से।